ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ विशि और आप देख रहे हैं बॉर्न टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। गिरते बाजार में खरीदारी की पहली पर्सन, तीन हीरे जैसे शेयर। चलिए जानते हैं कौन से शेयर है और इसके क्या क्या लेवल पे हमें बाय करना चाहिए। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, क्योंकि आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। जो हमारा तीसरे नंबर पे स्टॉक है वो है ICICI बैंक। ICICI बैंक क्यों चुना मैंने, क्योंकि ये बैंक का अभी क्या है कि रिजल्ट भी अच्छा आया। देखो ये रिजल्ट के दिन में इसके जिस नेक्स्ट दिन ये कितना गैप अप था, उसके बाद क्या है कि मार्केट भी डाउन था, ऑल ओवर मार्केट डाउन था, तो ये इसको सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे आ गया। तो उसकी जो पहली सपोर्ट लाइन बनती है वो है 400 के करीब। मीन्स कि अगर ये 400 के करीब आपको एक रिवर्सल पैटर्न दिखा दे तो यहाँ से आप जो शॉर्ट टर्म या मीन्स के लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हो। 400 क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो इसकी सपोर्ट लाइन है, मतलब जो राइजिंग सपोर्ट लाइन है वो भी 400 के करीब आ रही है और जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन है वो भी 400 के करीब आ रही है। तो आप देखिए 50 डेज का जो एवरेज लाइन है उससे भी नीचे ट्रेड कर रहा है, 100 डेज का एवरेज लाइन उससे भी नीचे कर रहा है, जो उसका 200 डेज के एवरेज है उससे ये अप कर रहा है। तो अगर ये दो लाइन को नीचे कट करके नीचे आया तो बाद में हमारा सपोर्ट होगा ये 200 डेज की लाइन। तो अभी हम देख के RSI की स्थिति क्या है, मीन्स के इसमें ओवर बोट या ओवर सोल्ड तो नहीं है। तो हम देखते हैं कि RSI 41 के लेवल पे है, मतलब एक बीच के लेवल पे है, नहीं ओवर सोल्ड है नहीं ओवर बोट है। जो हमारा दूसरा स्टॉक है वो कौन सा है, तो जो हमारा दूसरा स्टॉक है वो देख लीजिए। जो हमारे मैंने जो दूसरा स्टॉक सिलेक्ट किया वो है HDFC बैंक। जो HDFC बैंक में देख लीजिए ये 50 डेज और 100 डेज के एवरेज लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है। 200 के एवरेज लाइन के एटलीस्ट 5 है, मीन्स के उसने उसको ब्रेक तो कर दिया था लेकिन वो ऊपर क्लोजिंग दिया है, मतलब उसके नीचे इसने क्लोजिंग नहीं दिया, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। जो इसके हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन है वो कितने हैं, 2225 के पास है। लेकिन देख लीजिए आप जो उसकी राइजिंग सपोर्ट लाइन है उसके जस्ट पास ही, मीन्स के देखो टच टू टच इसने उसके सपोर्ट लेके उस दिन ऊपर आया है। अगर इन केस ये जब भी मंडे ओपन हो इसके बाद क्या है कि ग्रीन कैंडल ओपन में मीन्स के बाद में कंफर्मेशन दे दे तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि इधर से ये अप जाएगा और बाद में आप शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए भी ऐड कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में। तो आप इसमें RSI की देख लीजिए, RSI हाल फिलहाल में ओवरबोट बता रहा है। क्यों, क्योंकि वो 30 के नीचे है, मैंने लेवल 30 रखा है, मैंने 20 लेवल नहीं रखा, इसलिए ये ओवरबोट बता रहा है। जो इसके RSI का लेवल है वो कितना है, 25.71। ये जो स्टॉक बता रहा हूँ ये मेरे हिसाब से है, तो आप क्या है कि अपनी पहले खुद की एनालिसिस कीजिए और ये प्रॉपर रिवर्सल, मतलब एक प्रॉपर रिवर्सल के साथ अगर मिले तभी लेना है। क्योंकि क्या है कि अगर क्या है कि मार्केट अप है और इसने भी ये तीनों स्टॉक में से किसी ने प्रॉपर रिवर्सल दे दिया बाद में आप बाय करो, अगर आप क्या है कि इसे तीनों में से किसी ने प्रॉपर रिवर्सल दे दिया और मार्केट गिरता ही जा रहा है तो अब आपको इसे नहीं लेना है। मतलब क्या है कि जो मार्केट है वो भी प्रॉपर रिवर्स हो जाए, ये स्टॉक भी क्या है कि मार्केट रिवर्स होगा तो ये स्टॉक भी रिवर्स हो गए, तो जब भी ये मार्केट रिवर्स हो ये स्टॉक में रिवर्स हो तब आप देखो क्या किसी स्टॉक में आपको प्रॉपर एंट्री मिल रही है, तभी आपको इसको लेना है। और जो मेरा पहले नंबर का स्टॉक है वो है रिलायंस। रिलायंस क्यों, क्योंकि रिलायंस अभी एक ऐसे लेवल पे आ चुका है जो क्या है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि इससे और नीचे नहीं जा सकता। तो देखिए रिलायंस क्या है कि देखिए जो अपनी 50 मींस के 50 डेज की एवरेज लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है, 100 डेज के एवरेज लाइन के नीचे कर रहा है और 200 डेज की लाइन को इसने ब्रेक कर दिया है, तो ये उसके भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो जो इसकी पहली सपोर्ट लाइन है उसको तो इसने ब्रेक कर दिया और उसके नीचे आ गया, बाद में क्या कि इधर थोड़ा रिवर्सल दिखा रहा है लेकिन अभी उसको प्रॉपर अपसाइड नहीं आया। जो उसकी दूसरी जो सपोर्ट लाइन है वो कहाँ है, 1020 पे है, और जो इसके मींस के इसमें क्या है कि उसने राइजिंग सपोर्ट लाइन उसको ब्रेक कर दी थी इसलिए मैं उसे ड्रॉ नहीं कराया। लेकिन क्या है कि देखिए आप इसकी फॉलिंग सपोर्ट लाइन देखो, जो ये फॉलिंग सपोर्ट लाइन है उस पर अभी ना हाल फिलहाल मीन्स के इसने इधर थोड़ा सा रिवर्सल दिखाया लेकिन इतना कंफर्म रिवर्सल नहीं दिखाया जो हमें लगना चाहिए कि इधर से ये पक्का रिवर्सल हो चुका है। तो पहले इसका मीन्स के ये देखो ये जो सपोर्ट लाइन है उसको तो अभी ब्रेक कर चुका है, जो इसकी दूसरी सपोर्ट लाइन है 1020 मीन्स के इधर आ जाए तो मीन्स के बहुत अच्छा है, एक बेहतरीन लेवल पे मिलेगा आपको। अगर क्या है कि मेरे को ऐसा लग नहीं रहा कि ये इधर तक आएगा क्योंकि इधर तक आने के लिए उसको बहुत सारा मीन्स के नीचे जाना पड़ता है, तो देखो इधर मिल जाए तो आप बेझिझक होकर बाय कर सकते हो। लेकिन क्या है कि इधर से मीन्स के रिवर्सल देना स्टार्ट कर दिया और निफ्टी ने भी मीन्स के रिवर्स करना स्टार्ट कर दिया, तो मीन्स के आप एक लेवल आप देखो
तो मेरे को क्या रहता है कि ये जो 200 डेज की लाइन है उसके अबव जो भी है मीन्स के स्टार्ट कर दे ट्रेड करना, तब आप इसमें क्या है कि लॉन्ग टर्म और क्या है कि स्विंग ट्रेड के लिए ऐड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अब आपने ये प्रॉपर रिवर्सल दे चुका होता है, इसीलिए क्या है कि 200 डेज के लाइन के ऊपर आपको बाय करना एक सेफ रहेगा। तो ये थे मेरे 3 स्टॉक जो मैं क्या है कि अपने जब भी मीन्स के निफ्टी रिवर्स होगा तब मैं इसको, अगर मेरे को एक अच्छे लेवल पे रिवर्सल ये भी दिखाते हैं तो मैं इसको बाय करूंगा। लेकिन पहले मैं ही भी बता दे रहा हूँ कि कोई भी स्टॉक लेने से पहले, कोई भी कॉमेंट्री सुनो, कोई भी न्यूज़ सुनो, तो उसको लेने से पहले आप खुद की एनालिसिस करो, बाद में बाय करना। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैंने बोल दिया तो आप ले लो, पहले आप खुद की एनालिसिस करो, आपको सही लग रहा है तो लो। और दोस्तों आपको ये वीडियो कहीं से भी अच्छी लगे तो प्लीज़ यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक कमेंट करेंगे तभी हमारे को हौसला बढ़ेगा और हम आगे ऐसे ही वीडियो लेते आएंगे। तो प्लीज़ यारो जो लाइक का बटन है उसे दबा दो, और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, क्योंकि आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।